विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, दुनिया को ज्ञान का, प्रेम का, स्नेह का, आत्मीयता का अगर संदेश दिया तो भारत ने दिया। मुझे आज बचपन याद आ रहा है, उस समय हम एक गाना सुनते थे, कल का हिंदुस्तान जमाना देखेगा। लेकिन मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, आज मैं कह रहा हूं कल ये गीत था, आज गर्व के साथ कहते हैं कि आज का हिंदुस्तान जमाना देखेगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। भारत अब दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2030 तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है। यह भारत है आज का। कोविड के कठिन काल में दुनिया में सबसे पहले और सबसे प्रमाणिक वैक्सीन, एक नहीं दो दो बनाई तो भारत ने बनाई। पहले हम वैक्सीन मांगते थे दुनिया से, किसी महामारी में अगर भगाना पड़े कई वर्ष लग जाते थे। मुझे कहते हुए गर्व है कि जब दुनिया के कई देश कोविड के संकट का सामना कर रहे हैं, चीन जैसे, तब भारत की स्वदेशी वैक्सीन के कारण हम सब सुरक्षित हैं। गर्व होता है हमें आज के भारत में। और संकल्प हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने के लिए हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज मैं कहना चाहता हूं प्रदेशवासियों से, मध्य प्रदेश की विकास दर है 19.76%, प्रचलित दरों पे सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर विकास दर है तो अपने मध्य प्रदेश की है। देश की अर्थव्यवस्था में GSDP में कभी मध्य प्रदेश का योगदान होता था 3.6%, आज बढ़ के हो गया 4.6%। प्रति व्यक्ति आय जो 2003 तक हुआ करती थी केवल 13,000 रुपया, आज वो बढ़ के हो गई है 1,37,000 रुपया। मध्य प्रदेश का एक्सपोर्ट 60,000 करोड़ का इस साल रहा है। हर दिशा में हम प्रगति कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एक जमाना था कभी टूटी फूटी सड़कों का, लेकिन 4,00,000 किलोमीटर शानदार सड़कें हमने बनाई है। अरे अपनी संस्कारधानी अकेले जबलपुर में 3,500 करोड़ रुपए का रिंग रोड बन रहा है। कभी तो 5,000 करोड़ कुल बजट ही हुआ करता था रिंग रोड, फ्लाईओवर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटी। केवल संस्कारधानी में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। मुझे बता दो खुशी है प्रदेशवासियों, 50,000 करोड़ रुपए के रोड बन रहे हैं मध्य प्रदेश में, और रोडों के मामले में मध्य प्रदेश दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में होगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। न केवल सड़कों का निर्माण, सिंचाई में चमत्कार किया है हमने। इस समय 66,000 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं पर काम हो रहा है। कैन बेतवा का 44,000 करोड़ लगाने वाला है। अपने बरगी बांध का पानी, टनल बन रही है स्लीमनाबाद के पास,
लगातार काम कर रहा है विंध्यवासियों, बहुत जल्दी नागौद तक पानी पहुंचने वाला है। प्रदेश के हर अंचल में सिंचाई की योजनाएं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, प्रदेश की एक एक इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करना हमारा संकल्प है और उसको पूरा कर कर ही हम चैन की सांस लेंगे। किसानों ने भी अन्न के भंडार भर दिए, लेकिन मेरी बहनों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं और गांव में रहने वाली बहनों से, हैंडपंप में कब तक पानी भरती बहनों? अब जल जीवन मिशन के माध्यम से मध्य प्रदेश के हर गांव में हैंडपंप से नहीं, पाइपलाइन बिछा के घर में टोटी वाला नल लगा के पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। 55 लाख घरों में हो चुकी है, आने वाले वर्ष के अंत तक 1 करोड़ 4 लाख घरों में और करेंगे। शुद्ध पेयजल, उस पर लगभग 55,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। एक तरफ गुणवत्तापूर्ण बिजली की व्यवस्था, कभी बिजली होती थी 2900 मेगावाट, आज हो गई है 26,000 मेगावाट, और अब केवल कोयले से बिजली नहीं बना रहे हम, पानी से बिजली बना रहे हम, सूरज से बिजली बना रहे हैं। ओंकारेश्वर का सोलर पावर प्लांट, पानी की सतह पर सोलर पैनल बिछा के ताकि पानी भी भाप बन के ना उड़े और जमीन भी हमारी ना लगे, पानी पे ही सोलर पैनल बिछा के हम बिजली बनाने का चमत्कार करने वाले हैं। और केवल ओंकारेश्वर में नहीं, नीमच हो, साजापुर हो, छतरपुर हो, मुरैना हो, यहां तक कि अब हमारा नया संकल्प है हर घर सोलर पैनल बिछे और धीरे धीरे घर की जरूरत की बिजली घर में ही बनने लगे, शहर की जरूरत की बिजली शहर में, पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, और चाहे शिक्षा हो। मेरे बेटे बेटियों, सीएम राइज स्कूल बन रहे मध्य प्रदेश में, शहरों में भी गांव में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। 20-25 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल होगा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, भवन, लैब, लाइब्रेरी, प्ले ग्राउंड, स्मार्ट क्लास, आसपास के गांव के बच्चे बस में बैठ के आएंगे, स्कूल में दिन भर पढ़ेंगे, फिर वापस घर चले जाएंगे। चाहे स्कूली शिक्षा हो, चाहे महाविद्यालयीन शिक्षा हो, मैं आज अपने बच्चों को यह जरूर कहना चाहूंगा, उच्च शिक्षा विशेषकर मेडिकल की, इंजीनियरिंग की अनिवार्यता सी हो गई थी अंग्रेजी की, कि यह शिक्षा तो अंग्रेजी में ही दी जाएगी। अब ये जबरन अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी हम पे लाद दी गई थी। मेरे बेटा बेटियों, जब रूस में रूसी में पढ़ाई हो सकती है, चीन में चीनी भाषा में हो सकती है, जापान में जापानी में हो सकती है, फ्रांस में फ्रेंच में हो सकती है, तो बताओ मध्य प्रदेश में हिंदी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? लाद दी हम पे अंग्रेजी, अंग्रेजी सीखे बुरा नहीं है, लेकिन हम तो अपनी मातृभाषा में जितना बेहतर पढ़ सकते और समझ सकते किसी दूसरी भाषा में नहीं। इसलिए मुझे कहते हुए गर्व है, मध्य प्रदेश वासियों, मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी भाषा में होगी, हिंदी भाषा में। और हिंदी में पढ़ाई के कारण हमारे गांव के बेटे बेटी, किसानों के बेटे बेटी, मध्यम वर्गीय परिवारों के बेटा बेटी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जो अंग्रेजी के कारण कुंठित हो जाते थे,
वो स्वाभिमान के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। स्वास्थ्य की सुविधाओं के विस्तार के लिए मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला 7 खुल चुके हैं, बाकी पे काम चल रहा है। ग्रामीण विकास हो, शहरी विकास हो, मेरे प्रिय ग्रामवासियों, अभी अभी पंचायत के चुनाव हुए हैं, नए पंच सरपंच चुन के आए हैं, नगरी निकायों में नए प्रतिनिधि चुन के आए। हमारा संकल्प है स्मार्ट विलेज का आदर्श गांव, गांव में कनेक्टिविटी, सड़कें, गांव के अंदर की सड़कें, नालियां, पीने के पानी की व्यवस्था, गांव में बिजली, गांव में पंचायत भवन, गांव में बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति, इसका संकल्प हमने लिया और उसके लिए हमने पर्याप्त धन की व्यवस्था की है। हमारे शहर आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए के काम शहरों में, ड्रेनेज का सिस्टम, शुद्ध पेयजल, वेस्ट से बेल्ट की व्यवस्था, स्वच्छता में वैसे ही मध्यप्रदेश नंबर 1 है, लेकिन और बेहतर स्थान हम बनाए उसके प्रयास हम अपने शहरों के स्मार्ट बना रहे हैं। जबलपुर हो, रीवा हो, सतना हो, सिंगरौली हो, सागर हो, भोपाल हो, इंदौर हो, उज्जैन हो, देवास हो, खंडगांव, खंडवा, बुरहानपुर हो या अपना ग्वालियर, मुरैना हो, बड़े शहर हो, छोटे शहर हो, सब में इंफ्रा बन रहा है। और आज संस्कार धानी में मुझे कहते हुए खुशी है, एक नया औद्योगिक शहर जबलपुर नगर निगम की सीमा के अंतर्गत रांझी तहसील के ग्राम भटौली के पास बसाया जाएगा। इसके लिए 332 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की है, 820 एकड़ इसमें औद्योगिक प्लांट्स होंगे, जहां गारमेंट और टेक्सटाइल की यूनिट्स बनेंगी, रहवासी प्लाट्स होंगे, रहने के घर, होटल, अस्पताल, माल के लिए कमर्शियल प्लाट होंगे, व्यवसायिक गतिविधियों के लिए लॉजिस्टिक पार्क होंगे। हम अब केवल पुराना ठीक नहीं करेंगे, हम ग्रीन फील्ड शहर की तरफ आगे बढ़ेंगे और संस्कार धानी से वो काम प्रारंभ किया जाएगा। और ये जमीन जो मैं बता रहा हूं रिंग रोड के पास है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के समीप है, जबलपुर में भी उद्योगों की संभावनाएं। प्रिय बहनों और भाइयों, अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, 84 देशों के लोग अपने मध्य प्रदेश आए थे, 2-2 राष्ट्रपति, 5 विदेशों के मंत्री, 35 राजनयिक, 5,000 उद्योगपति, और उन्होंने कमिट किया है कि मध्य प्रदेश में 15,42,550 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, जिससे 29 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और ये उद्योग महाकौशल में भी आएंगे, प्रदेश के हर अंचल में आएंगे, और हमको अपने शहरों के इसके लिए तैयार करना है। प्रिय प्रदेशवासियों, उद्योग, उद्योगों से रोजगार, रोजगार से समृद्धि, यह हमारा मंत्र है। अभी प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ, गदगद थे प्रवासी भारतीय,
मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास देख के। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी मध्य प्रदेश की धरती पर होने वाले हैं, जबलपुर सहित 8 शहरों में। G20 की कई बैठकें होने वाली है। हमारा प्रदेश निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, गरीब कल्याण हमारा संकल्प है। और इसलिए मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं, भगवान ने धरती सबके लिए बनाई, हवा सबके लिए, पानी सबके लिए, जल जमीन जंगल अधिकार सबका है, लेकिन सबके पास तो नहीं है। तो वो जो समृद्धि और विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं, उनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। और इसलिए हर गरीब को निःशुल्क राशन, प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा, मध्य प्रदेश में 1,15,00,000 परिवारों को दे रहे हैं। केवल राशन नहीं, आज मैं फिर दोहराना चाहता हूं जोर देके, गणतंत्र दिवस पर तंत्र है गण के लिए, मेरे प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों, रहने की जमीन का टुकड़ा हर गरीब की जरूरत है। कई जगह मुझे लोगों ने कहा कि रहने की जगह ही नहीं है, छोटे से घर में कई पीढ़ियों से कई परिवार हो गए बढ़ते बढ़ते। और इसलिए हमने मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाई, जिसमें तय किया है कि प्रत्येक परिवार के लिए, परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, अगर रहने की जमीन नहीं है तो फ्री में रहने की जमीन का प्लाट देंगे। कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा, हर एक गरीब रहने की जमीन का मालिक होगा। बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताओ, होना चाहिए ना? ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। अभी टीकमगढ़ में 10,005 लोगों को प्लाट दिए, सिंगरौली में 25,000 से ज्यादा लोगों को प्लाट दिए। यह संकल्प है प्रदेश की सरकार का। शहरों में भी मैं कहना चाहता हूं, कई मध्यम वर्गीय परिवारों ने, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों ने प्लाट खरीद के अपना मकान छोटा मोटा बना लिया। अब जिसने प्लाट काटे उसकी गलती हो सकती है, लेकिन जिसने अपनी मेहनत की कमाई से अपना मकान बनाया, उसका मकान अवैध नहीं रहेगा, उसकी कॉलोनी अवैध नहीं रहेगी। वो वैध करने के लिए हम नियम बदल रहे हैं, ताकि प्रगति और विकास के काम कॉलोनी में भी हो सके। शहरी आवासों की व्यवस्था करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। और विशेषकर मैं अपने भांजे भांजियों से आज कहना चाहता हूं, ये मध्य प्रदेश है, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना यहां बनी है, और उस योजना में हमने तय किया है, बेटे बेटियों मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें प्रतिभा और क्षमता है तो फीस तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। अगर तुम्हारी प्रतिभा से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT IIM में,